मेरे क्लाइंट जहीर शेख पिछले ढाई साल से जेल के अंदर है दस बार अभी तक इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है पुलिस इस दौरान इनके खिलाफ कोई खास एविडेंस नहीं ढूंढ पाई है और प्रोसिक्यूशन हर हियरिंग में आके यही कह देती है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है बिना कुछ भी साबित किया अभी तक उसके माथे पे टेररिस्ट का लेबल लगा दिया गया है एंड एट दिस पॉइंट क्या सारी पब्लिक ने उसके माथे पे टेररिस्ट का लेबल लगा दिया है ये जहीर के अब्बा है और इनकी तीस साल की नौकरी इनसे एक मिनट के अंदर छीन ली गई क्यों क्योंकि पुलिस ने सिर्फ शक के आधार पर उनके बेटे को टेररिस्ट केस में अंदर कर दिया है Honor, क्या प्रोसिक्यूशन को सही में ये लगता है कि इस्लाम और लिबरलिज्म कभी एक नहीं हो सकते या मेरे क्लाइंट से जेल के अंदर इसलिए हैं क्योंकि उनका नाम जहीर है कुछ मैथ्यू डोनाल्ड सुरेश मोरे ऐसा टाइप का कुछ नहीं मान लीजिए ऑनर कि ये इन्वेस्टिगेशन अगले दस साल तक ऐसे ही चलती रही तो क्या दस साल तक जहीर जेल के अंदर ही रहेगा उस दस साल के बाद अगर वो नॉट गिल्टी होकर छूट भी गया तो फिर वो करेगा क्या वो जाएगा कहां पे? उसे नौकरी कौन देगा पूरी दुनिया इस तरीके से उसको टेररिस्ट बुलाती रहेगी वो तो ऐसे ही घूमता रह जाएगा प्रोसिक्यूशन टाइम एंड अगेन ये कह रही है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है जहीर एक बहुत खतरनाक आदमी है उसने ऐसा किया क्या सिर्फ एक लैपटॉप जो उसके पास था उसने जाके अपने दोस्त को दे दिया आगे उस दोस्त ने उसके साथ क्या किया उसमें उसकी क्या गलती और मैं समझ रहा हूं ना इन अटैक्स में बहुत सारे लोग मरे हैं बहुत सारे अटैक्स में बहुत सारे लोग मरे हैं और मेरी सहानुभूति है उनके साथ पर इसका ये मतलब नहीं ना कि हम किसी को भी उठाकर अंदर डालना शुरू कर देंगे चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोर्ट से कि इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाए आई थिंक इट्स बिन डिलेड वे टू मच प्रोसिक्यूशन के पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है टू से दैट जहीर इज गिल्टी एंड आई थिंक ही शुड वॉक फ्री थैंक यू